नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा है। रामलला के दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, दीपोत्सव में भी होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा। रामलला के दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, दीपोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। दीपोत्सव की तैयारी को लेकर के पुलिस महकमा सक्रिय हो गया है। सुरक्षा बल के अलावा सुरक्षा के कई एजेंसियां भी वहां तैनात कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या से पीएम, राज्यपाल, सीएम की सुरक्षा में लगाए जाएंगे सुरक्षा बल। यही 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री मोदी का 23 अक्टूबर को अयोध्या दौरा है, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और दीपोत्सव कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो है वो 23 तारीख को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और अयोध्या के दौरे पर उनका जो कार्यक्रम है 23 अक्टूबर को, वो सरयू की आरती के साथ साथ रामलला के दर्शन भी करेंगे पीएम मोदी। और रात 8 बजे तक 23 तारीख को अयोध्या में रहेंगे और 16:55 यानी कि 4 से 5 के बीच में भगवान श्री रामलला के विराजमान, पूजा करेंगे। 5 दिन के बाद वो क्षेत्र के साइड निरीक्षण करेंगे, इसके साथ राज्यभिषेक भी करेंगे और ये दीपोत्सव के जो राम जी की पौड़ी है वो भी 6:30 के आसपास करेंगे। यानी कि जो प्रधानमंत्री का दौरा है इसको लेकर के काफी तैयारियां कर ली गई हैं और इस तैयारी में सारे वीआईपी रहेंगे और ये पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे कि अभी केदारनाथ में भी जो है उन्होंने आरती की थी भगवान के और अब जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं 23 तारीख को, तो उनके आगमन को लेकर के अभी तैयारियां शुरू होंगी। हालांकि अभी इस मामले में कुछ जी दानिश, प्रधानमंत्री मोदी का कितने दिनों का दौरा है ये यूपी का? देखिए, 23 तारीख तो तक तक उनका शायद ये कार्यक्रम का जो अपडेट है वो 23 तारीख तक है, यानी सेम डे रहेगा। 2 दिन उसी दिन वो आएंगे और उसी दिन मुझे लगता है कि शायद 21 या 22 दिनों पहुंचेंगे। 22 तारीख को 23 तारीख तक उनका कार्यक्रम रहेगा। जी जी, यानी ये कह सकता हूँ कि देर से दो दिन का रहेगा। जी, सीएम भी उसमें शामिल होंगे और राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश के शामिल होंगे उसमें। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जब रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उनके साथ रहेंगे ही, साथ में राज्यपाल भी रहेंगे और भी वीआईपी रहेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं तो वहां स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो या राज्यपाल हो, उनका मौके पर होना लाजमी होता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो उनके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, राज्यपाल महोदया भी रहेंगी और कई वीआईपी रहेंगे यानी मंत्री रहेंगे। तमाम लोगों का जो पूरा फोकस होगा वो अयोध्या की उस पूजा पर और प्रधानमंत्री के दौरे पर होगा। जी जी, शुक्रिया दानिश आपका, बने रहिए हमारे साथ। गोरखपुर में बाढ़ ने लोगों की परेशानियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ग्रामीण गुजर बसर करने के लिए बंधुओं और ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। पूरे 1 सप्ताह से उनके गांव में पानी लगा है। हालांकि बारिश रुक गई है और मौसम भी साफ है, लेकिन पानी का स्तर अभी भी कम नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीण प्रशासन से मदद का इंतजार में बैठे हैं। दरअसल सहजनवा तहसील के बहरामपुर में शेरगढ़ गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। हालात ये हैं कि लोगों के मकानों के भीतर पानी भर चुका है। बाढ़ का दंश झेल रहे लोग अपने मवेशियों को लेकर के बंधे सहारा ले रहे हैं। अभी भी कुछ लोग अपने पक्के मकानों में छत के ऊपर शरण लिए हैं। गाँव वासियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी है, बावजूद इसके अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें किसी प्रकार की कोई मदद और राहत सामग्री नहीं मिली है। हम लोग बढ़िया में रहिला, अब पानी में हल्के आवल जाता, पानी में हल्के जाल जाता, यही में तबियत खराब हो जाता। अब बहुत परेशानी में झेलत है मन के, ना ही सरकार के कहीं ना आयल बा, न के कुछ देहलस न लेहलस। देखिए, इस समय जो वर्तमान स्थिति है नदियों का, तो अब नदियों में अपर कैचमेंट एरिया में भी और लोअर कैचमेंट एरिया में भी नदियां रिसीड करना शुरू कर गई हैं। आज सुबह राप्ती नदी स्टेबल थी और रुकी हुई थी, स्थिर थी, लेकिन अब सरयू जी में हम लोगों को थोड़ा घटाव दर्ज किया जा रहा है, अपर लेवल पे भी और नीचे लेवल पे भी। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगले कुछ दिनों में नदियां घटना शुरू हो जाएंगी और कुछ दिनों में हमें बाढ़ से निजात भी मिल जाएगा।
सर ये राप्ती नगर के सटे मतलब बहरामपुर दक्षिण बहरामपुर है वहाँ पे दो गांव एक शेरगढ़ है एक बहरामपुर है वहाँ के लोगों का कहना है कि मतलब अभी हम लोगों को नाव का व्यवस्था किया गया है ना राहत सामग्री मिली है। नहीं देखिए मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि वहाँ पर अभी जो नाव की है 8 नावें वहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई हैं। GIS 23 में US से UP में बड़े निवेश की जमीन तैयार कर ली गई है। कई बड़ी कंपनियां UP आने को तैयार हो गई हैं। US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम की मुलाकात भी हुई है। US के प्रतिनिधिमंडल ने CM योगी से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, US के प्रतिनिधिमंडल ने CM योगी से मुलाकात की है। यूपी के बदले माहौल को प्रतिनिधिमंडल ने सराहा भी है। कल सीएम योगी ने यह मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने कहा, हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव, उत्तर प्रदेश होगा औद्योगिक निवेश का ग्लोबल हब। GIS 23 में यूपी में निवेश के लिए कंपनियां तैयार हो गई हैं। यूपी के बदले माहौल को प्रतिनिधिमंडल ने सराहा भी है और योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली को भी उन्होंने सराहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है? उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने कल बताया था कि मुख्यमंत्री जो है मीटिंग कर रहे हैं विदेश के जो विदेश सचिव हैं, विदेश यानी कि जो विदेश के जो राजदूत हैं, उन राजदूतों को लेकर के उनकी मीटिंग चल रही है। और राजदूत से हमने बताया था कि निर्यात को लेकर के बढ़ोतरी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें तमाम जिलों के तमाम देशों के जो है वो राजदूत हैं, उनसे विदेशी निर्यात को लेकर के बढ़ावा देने का प्रयास चल रहा था। और रोजगार को लेकर के उनसे जो मीटिंग हुई है, इस पर अभी जो है अपडेट ये आया है कि उत्तर प्रदेश में शायद जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के बाद इस पर पूरी तरीके से सहमति बन जाएगी और उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की समस्या है, इसको कुछ हद तक रोक लगाने के प्रयास के तहत विदेशी राजदूत से निर्यात निवेशक संबंधी से उनकी मीटिंग हुई है। यानी जब विदेशी यहाँ पर जब आएंगे और उनकी कंपनियां यहाँ पर जब आएंगी तो उनका निवेशक बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है उसको रिक्वायरमेंट होगी। जब वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं, जो पहले जो युवा है जिनके पास अभी भी कोई काम नहीं है, जिनको रोजगार नहीं, उनको लेकर के पहल करने के प्रयास किया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ के लुलु मॉल को जब मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था तो इसमें 55,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला था। इसी को लेकर के वो निवेशक को लेकर के प्रयास कर रही है सरकार उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश सरकार का पहला पहल या मुहिम ये कह सकते हैं कि वो विदेशी निवेशक, इस बार विदेशी जो राजदूत है वो एक नहीं है, एक दर्जन से ज्यादा है, यानी कि विदेशी जो राजदूत है वो एक दर्जन से ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि निकाय चुनाव के बाद जो उनका जो प्रोजेक्ट है जब पास होगा या प्रस्ताव पर सहमति बनेगी, तो मुझे लगता है कि 55,000 के लुलु मॉल पे निवेशक रोजगार मिला है, तो मुझे लगता है इसकी संख्या शायद लाखों के पार रहेगी, जिससे रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकेगा और कुछ हद तक कहीं ना कहीं बेरोजगारी पे लगाम लगेगी और ये उत्तर प्रदेश सरकार की निवेशक पे सबसे बड़ी पहल होगी। यूपी के लिए बड़ी सकारात्मक पहल है दानिश, क्योंकि अगर विदेशी कंपनियां यहाँ निवेश करती हैं तो रोजगार के लिए भी एक बड़ा साधन होगा यूपी के लिए। जी मैं वो जाना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार तो वैसे भी विपक्ष के लगातार जो हमले हैं या विपक्ष का जो अभी तक का आरोप है वो है भाजपा की बेरोजगारी का, यानी उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर कोई विकल्प नहीं खोला गया है। रोजगार पर बड़े बड़े दावे किए गए हैं लेकिन धरातल पर कोई रोजगार का दावा नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर के सरकार ने एक अच्छी पहल बनाई है। इससे पहले एक महीना पहले मुख्य सचिव के द्वारा ये एक ट्विटर पर कह सकता हूँ या एक खुलासा किया गया था, एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार एक परिवार और एक रोजगार को लेकर कोई योजना चला रही है। मुझे लगता है शायद उन निवेशकों को लेकर के भी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित किया जाएगा कि जब विदेशी कंपनियां यहाँ अपने निवेश करेंगी तो एक परिवार यानी एक परिवार एक रोजगार को उनके तहत रोजगार दिया जा सकता है। 2024 से पहले ये मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है दानिश, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि यूपी में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं दे रही है सरकार, लेकिन अगर इस तरह की पहल होती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में यानी कि भाजपा सरकार पर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किसी भी स्टेट में हो, वहाँ पर विपक्ष के पास सबसे बड़ा जो टॉपिकली मुद्दा है
जेन्युइन मुद्दा है वो है बेरोजगारी का, महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई पर लगाम तो नहीं लग पा रही है, लेकिन जो बेरोजगारी पर लगाम लगाने में सफल हो जाते हैं तो 2024 इनके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह होगा और निवेशकों का निवेश करना उत्तर प्रदेश में 2024 का रास्ता आसान कर देगा। बिल्कुल 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 दानिश, शुक्रिया आपका बहुत बहुत जानकारी के लिए। उत्तराखंड में आज बड़ा हादसा हो गया। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिससे इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़चट्टी में हुआ है। खराब मौसम को हेलीकॉप्टर क्रैश की एक वजह भी माना जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट समेत 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। यह हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर ने गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। केदारनाथ घाटी की तरफ जब ये हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा तब गरुड़चट्टी में ये क्रैश हो गया है। जमीन पर गिरने के साथ ही हेलीकॉप्टर आग की चपेट में भी आ गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है, अपडेट क्या है? हेलीकॉप्टर क्रैश में अब तक 7 लोगों की मौत बताई जा रही है, कैसे हुई है घटना? जी बिल्कुल, सुबह लगभग 11:45 के आसपास की पूरी घटना बताई जा रही है। और जैसे ही, क्योंकि आज केदार जो घाटी है उस पूरी घाटी में बादल छाए हुए थे और मौसम पूरी तरीके से खराब था, और खराब मौसम के बीच जिस तरीके से हेलीकॉप्टर ने आज अपनी उड़ान भरी उसके बाद वो क्रैश हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें जो 6 यात्री थे उनकी भी मौके पर मौत हो गई, और साथ ही जो हेलीकॉप्टर के पायलट थे अनिल उनकी भी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद आनंद फानंद में जो स्थानीय लोग हैं, जो यात्री हैं, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया और प्रशासन को इसकी सूचना दी। लेकिन जब तक प्रशासन हेलीकॉप्टर जिस स्थान पर क्रैश हुआ था वहां पहुंचा, तब तक सभी लोग अपनी जान गंवा चुके थे जो उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उस हेलीकॉप्टर में टोटल 7 लोग थे, जिसमें से 1 पायलट थे और 6 यात्री थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनमें से यात्रियों में अगर बात की जाए तो 3 यात्री गुजरात के थे और 3 यात्री तमिलनाडु के थे, और जो पायलट थे वो महाराष्ट्र के थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि केदारनाथ में पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए, और उसके बावजूद भी एक बार फिर जिस तरीके से आर्यन ग्रुप के इस हेलीकॉप्टर ने खराब मौसम के बाद अपनी उड़ान भरी तो उसका खामियाजा उन यात्रियों को भी भुगतना पड़ा और खुद उस हेलीकॉप्टर के पायलट को भी जान गंवानी पड़ी। जी सुभाष, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल, जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद सरकार की तरफ से जरूर जांच के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि केदारनाथ में इस तरीके से घटनाएं पहली बार नहीं हुई और खराब मौसम के साथ लगातार इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, तो शायद लगता है कि प्रशासन को जरूर इस पर ध्यान देने की जरूरत थी। लेकिन क्योंकि प्रशासन की भी एक बड़ी नाकामी मानी जा सकती है, और खुद जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जांच में भी यही चीजें निकल कर आएंगी कि खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी किसकी है ये अभी साफ नहीं हो पाएगा कि इसमें क्या प्रशासन की जिम्मेदारी बड़ी है या फिर उस कंपनी की जो कंपनी खराब मौसम के चलते भी यात्रियों को बिठाकर केदारनाथ धाम के लिए यात्रा के लिए ले जाता है। जी बिल्कुल 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 सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। राजस्थान के भिवाड़ी से किडनैप किए गए 3 बच्चों में से 2 बच्चों की लाश आज साउथ दिल्ली के महरौली जंगल में मिल गई है। राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 बच्चों की लाश मिली है। इन दोनों की उम्र 7 साल और 5 साल बताई जा रही है। किडनैपर्स ने तीनों के कत्ल की बात स्वीकारी थी, लेकिन तीसरा बच्चा जिंदा बरामद हो गया है। किडनैपर्स ने बताया था कि तीनों बच्चों को जंगल में मर्डर कर दिया। राजस्थान पुलिस आज 2 किडनैपर्स को लेकर के दिल्ली के महरौली के जंगल में पहुंची। किडनैपर्स की निशानदेही पर 2 बच्चों की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि तीसरे बच्चे को जिंदा बरामद किया गया है। बता दें कि भिवाड़ी के लेबर कॉलोनी से 3 सगे भाई शनिवार को घर से अचानक गायब हो गए थे। राजस्थान से ये बच्चे किडनैप हुए थे शनिवार को,
और उसके बाद आज सुबह दो बच्चों की लाशें मिली हैं। तीनों भाई थे, एक बच्चे को जिंदा बरामद किया गया है। किडनैपर्स के निशानदेही पर ये दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस को सफलता मिली है। इन दोनों की उम्र 7 साल और 5 साल बताई जा रही है। दोनों बच्चे जिनकी किडनैपर्स ने हत्या कर दी, उनकी उम्र 7 साल और 5 साल बताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता काजोल नारायण जुड़ी हुई हैं। काजोल, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है? किडनैपर्स ने दो बच्चों की हत्या कर दी है, एक बच्चा जिंदा सकुशल बरामद हो गया है, बेहद निंदनीय घटना है। जी विशाल, देखा जाए तो बेहद निंदनीय है। और राजस्थान के बच्चे जो अलवर में भिवाड़ी के फेज 3 से इसी इलाके में रहते हैं, वो 15 अक्टूबर को गायब अचानक हो जाते हैं, जो रिपोर्ट उनके परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई। उसके बाद फिर जो इनकी लाशें हैं, यानी कि जो शव हैं, वो मेहरौली के इलाके में मिलते हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चा चोरी की जो बातें हैं, जो अफवाह जिसको हम बोल रहे थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सच साबित होती है। क्योंकि बच्चों को पहले उनका अपहरण किया जाता है, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि फिरौती के लिए भी जो फोन है वो परिवार वालों के पास आया था। तो सवाल ये है कि जब फिरौती के लिए फोन आया तो पुलिस को इतना समय कैसे लग गया? क्योंकि पुलिस दबिश तो दे रही थी, लेकिन दबिश देते देते हुआ ये आखिर में कि दो बच्चों को अपनी जान देकर बिल्कुल गवानी पड़ी है। और प्रशासन की भी ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि शनिवार की घटना और उसके बाद आज उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। बिल्कुल, पुलिस की लापरवाही तो है ही, क्योंकि शायद हो सकता है कि दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस आपस में उतना कांटेक्ट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से देर होती रही। और देर का खामियाजा ये हुआ कि दो बच्चों की हत्या कर दी गई है। और अपडेट ये हुआ है कि तीनों की हत्या जो है, जो अभी अभी अपडेट आया वो ये कि तीनों की हत्या की गई है। और कुतुब मीनार जो मेट्रो स्टेशन है, जो मेहरौली इलाके में आता है, उसके पीछे जंगल में फेंक दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अब तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि फिरौती कितने की मांगी गई थी, क्योंकि ये जो बच्चे तीनों बताए जा रहे हैं वो कोई बहुत अमीर घर से या बहुत पैसे वाले घर से नहीं थे। ये जो है वो एक कॉलोनी में रहते थे और एक बस्ती है वहां पर रहते थे। क्राइम ब्रांच भिवाड़ी की टीम मेहरौली आई है, तलाश की जा रही है। जो आरोपी हैं उनकी निशानदेही पर शव भी बरामद किए गए हैं। अब आगे जो पूरा मामला है, उस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो परिस्थिति है वो बेहद संदिग्ध यहाँ पर विशाल बताई जा रही है। कितने किडनैपर्स को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है? जो भी आरोपी इसमें बताए गए हैं, जो संदिग्ध बताए जा रहे थे, पहले तो संदिग्ध को उठाया गया है, उन्होंने खुलासा किया। और जो हत्या की गई है वो तीनों की कर दी गई है। फिलहाल आरोपी जो है इसमें दो बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ और आरोपी हो सकते हैं, ऐसा पुलिस कह रही है। और जल्द से जल्द इसका भी खुलासा पुलिस करने की बात कह रही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।